काम करणाऱ्याला सारखं वेतन मिळालं पाहिजे. आज आम्हाला वेतन मिळतंय, पण आमच्या नंतरच्या 2005 बांधवाला पेन्शन योजना लागू नाही. एक शोकांतिका आहे, त्यामुळे आमच्या तमाम भारतवासियांच्या कर्मचाऱ्यामार्फत, भारतीय शिक्षक संघाच्या मार्फत, अखिल भारतीय शिक्षक संघातर्फे आमच्या कनिष्ठ बांधवांना की पूर्ववत जी पेन्शन योजना आहे जुनी, ती लागू करावी यासाठी आम्ही तमाम भारतातले सर्व शिक्षक बांधव इथे आम्ही जमलेले आहोत. प्रिय बांधव, की आपल्या भारतातल्या लोकशाहीमध्ये की साधं 5 वर्षे निवडून आणल्यास संसदीय सदस्यांना, विधानभवनातले आमदार खासदारांना 5 वर्ष जर काम केलं तर त्यांना कायमस्वरूपी वेगवेगळ्या सभागृहातलं पेन्शन कायम लागू होतं. पण आम्ही सातत्यानं 30 ते 40 वर्ष पेन्शन मिळेगी, लेकिन मुझको पेन्शन नहीं मिलेगी. ये कैसी समानता है? कहा है भारत के सभी नागरिक अगर समान है तो भारत के सभी कर्मचारी भी समान होने चाहिए. अगर नेता को पेंशन मिलती है केवल 5 साल काम करने से, जो कि वो कहते हैं कि मुझे सेवा का मौका दे, वो सेवा करने के लिए आते हैं फिर भी पेंशन लेके जाते हैं. एक दिन में, एक मिनट में उनकी पेंशन की सारी मांगे एक झटके में मंजूर हो जाती है. सारी पार्टियां एक साथ आके उनकी मांगे पूरी करती है. लेकिन हमारे भाई मिजोरम से लेके गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पुरानी पेंशन के लिए हम सालों से लड़ रहे हैं, फिर भी कोई सेशन. पार्टियां बदल गई, जो पहले विपक्ष में बैठते थे उनके लेटर हमारे पास है. वो सरकार को लेटर लिखते थे कि इनको पुरानी पेंशन दो, ये अन्यायकारक है. लेकिन आज अगर वो शासन में बैठ गए तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं दे सकते. महानगरपालिका तयार झाली. शिक्षक अनादि काळापासून ही संघटना 1910 पासून काम करते. त्या आपल्या देशाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदास सिंग असतील, त्रिपाठी साहेब असतील, ते अगदी वयोवृद्ध आहेत. 75, 70, 80 वर्षे त्यांनी पार केलेली आहेत. परंतु ते संघटनेमध्ये असताना काम करत आहेत. शिक्षकांच्या न्याय आणि हक्कासाठी त्यांनी सतत लढा उभारलेला आहे. आणि या ठिकाणी नोकरीमध्ये ज्यावेळेस शिक्षक आला त्यावेळेस 3 बाबी घेऊन आलेला आहे, आणि त्यामुळे याच्यामध्ये कोणालाही बदल करण्याचा अधिकार नाही. ट्रिपल पी ज्याला आपण म्हणू, ट्रिपल पी म्हणजे अगोदर पहिल्यांदा आपण पे घेतो, दुसरा पे म्हणजे प्रमोशन घेतो, आणि तिसरा पे म्हणजे पेन्शन. जिल्हा महिला सेल अध्यक्ष नागपूर यांच्या वतीने आज सर्वांसमोर आपले मनोगत सादर करते. आदरणीय मंच, सांगायचं एवढंच आहे, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोए क्यों, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडिया है भरना क्या, मौत आई तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या. बहुत बढ़िया होते का है, अपन किती वर्ष 16 वर्ष झाले, आपल्याला कळतं काय चुकतं आहे. एकाच दिवस कार्यालयात काम करतो, एकाला पेन्शन योजना मिळते, एकाला नाही मिळत. आणि जो ज्युनियर कर्मचारी सहकारी असतो आपला, त्याच्याकडून सगळेजण अपेक्षा करतात की तुम्ही तरुण आहात, तुम्ही हे करा, तुम्ही तरुण आहात, तुम्ही ते काम करा. आणि काम सर्वच सगळे करतात, पण त्याच माझ्या बांधवाला जेव्हा समान पेन्शन योजना, जुनी पेन्शन योजना नाकारली जाते, तेव्हा त्याच्या डोळ्यातलं पाणी मी पाहू शकत नाही. आणि जेव्हा घटना घडली आमच्या महाराष्ट्रात नागपूर जिल्ह्यात, मागच्या वर्षी इलेक्शनच्या वेळेस निवडणुकीच्या कामात असताना अपघात झाला आणि एक डिसीपीएस धारकाचा मृत्यू झाला, 2 लहान लेकरं आणि तरुण पत्नी 34 वर्षाचा शिक्षक जेव्हा मृत्यू पावतो, अपघाती मृत्यू होतो आणि त्याच्या कुटुंबावर काय कोसळत असेल, म्हातारे आई वडील, तरुण पत्नी आणि 2 लेकरं, तेव्हा मला तेव्हा असं वाटलं की खरंच आपला हा लढा अजून मजबूत करायला पाहिजे. केवळ 2-3 आंदोलन करून आम्ही संविधान चौकात मागे आंदोलन केलं, कुटुंब निवृत्ती योजना देऊन आपलं सरकार आपल्याला भूल पाडत आहे, तेव्हा आपल्याला खरंच तालुका स्तरापासून हे करावं लागेल. केवळ आम्ही चाललो दिल्लीला आला जंतर मंतर, आम्ही 86 जण आलेलो आहोत, 25 ते 26 महिला शिक्षिका आलेल्या आहेत माझ्या नेतृत्वात. ती अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. हा लढा आपण असाच कायम ठेवावा, कुठलीही भीती बाळगू नका. घरून मलाही फोन येते की तुम्ही का दिल्लीला गेले असं वातावरण, पण आपण जर लढा दिलाच नाही, कुठे बलिदान केलं नाही, भारत साक्षी आहे,
जोपर्यंत बलिदान देणार नाही तोपर्यंत आपल्याला मिळणार नाही. आपलं एकच आहे, मागणी आहे, एकच मिशन, जुनी पेन्शन. जय अखिल, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. चार स्तरावर आंदोलन केलेलं होतं. आधी तालुका स्तरावर आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब बोरसे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण शिरपूर तालुक्याच्या शाळा बंद ठेवून आम्ही निर्देश व्यक्त केला होता. मित्रांनो, आपल्या शिक्षक वर्ग जो आहे, चलो चलो देखो देखाऊ आपण कोबरा खाऊ जरा. आपल्याला 144 कलम लागू आहे आणि म्हणून आपल्याकडे प्रायोजन सुद्धा आपल्याला घेत आहेत आणि म्हणून आता जात असताना सुद्धा आपल्या व्यवस्थेची प्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये आपण आजच्या काही गाड्यांचं तिकीट बुकांचं आहे त्या पद्धतीनं सुरक्षित आपण पोहोच आहोत अशी मी महाराष्ट्राच्या वतीनं आपल्याला निवेदन करतो. आणि या ठिकाणी आता 2 वाजेच्यानंतर आपल्या काही गाड्या असल्यामुळे आपल्याला 2 वाजेपर्यंत या ठिकाणी आपल्याला थांबायचंय. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामपालजी यांचं आपल्याला मार्गदर्शन ऐकायचं आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या समाज शिक्षकांना आता 1 तास त्याच्यानंतर आपल्याला जेवण आहे आणि जेवणानंतर या ठिकाणी आपल्याला सांगता घ्यायचंय आणि मग आपण कुठेही न जाता या ठिकाणी आपला अमूल्य वेळ ज्या कामासाठी आपण आलो त्यासाठी आपल्याला अमूल्य वेळ या ठिकाणी द्यावं एवढीच विनंती. आणि सर्व जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व बांधवांचं मी आपल्या महाराष्ट्र शाखेच्या वतीनं आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय संघ. धन्यवाद. आज हमारी युवा पीढ़ी की और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आज कहीं भी हो आज जल्दी चाहिए, आज जल्दी चाहिए. पहले बैठा हुआ है वो तो बहरा है, उसका काम तक हमारे मान में ले जाने के लिए हमको और ज्यादा ताकत से हम ये हमारे कई कांग्रेस बीजेपी का विरोध होने ये संग्राम नहीं है. ये संग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की विपक्ष में है. ये जो नेताएं बैठे हुए हैं संसद में वो किसने वह अपना बात नहीं टाल रहा है. ये जो कांग्रेस की लोग हैं, ये कांग्रेस की लोगों ने भी जितने साल गवर्नमेंट चलाया था उसी समय में ही ये लागू कर दिया है. उनको भी हमको जवाब देना है. और दूसरी बात यह है कि सिर्फ पेंशन की बात ही नहीं, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की अपॉइंटमेंट की है ये क्या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हायर ऑफिसर से ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो है वो जो स्टेट सबका एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या एजुकेशन का कॉन्ट्रेक्टर है? वो एजुकेशन का कॉन्ट्रेक्टर है जिसके लिए हमारे लोगों को टीचर्स को कॉन्ट्रेक्ट में अपॉइंट किया है. ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रेक्ट डिपार्टमेंट नहीं है ना. तो ये हम कॉन्ट्रेक्ट वाली जो बात गवर्नमेंट ने की है वो एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन. And respected Harigovind ji, Finance Secretary AIPTU, and respected dignitaries and the Dayan and the Aska Dayan, my beloved citizens from different states, today here we are fighting for the restoration of old pension scheme. In Andhra Pradesh, our government formed last 10 years before RCM हमको वादा दिया हमारा स्टेट में पुरानी पेंशन रिस्टोर करने का वादा दिया. अभी 10 महीना होगी हमारा सीएम एक कमीशन बना गया कि अपॉइंटेड कमीशन कमीशन टाइम विल बी March 31st टू हाउ टू सबमिट हाउ द ओल्ड पेंशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश.
we are thinking that 31st we will hear the good news from the government. The Andhra Pradesh government will implement the old pension scheme to all the employees in our state. But the remaining states in our country is not thinking about this. I don't know, we cannot understand. Previously our brothers told us, Nai MP MLA is getting pension. They are working for only 5 years. 7 days से अंदाजा करिए आप 82 वर्ष की उम्र में आपका अध्यक्ष आपके बीच में 7 दिनों तक लगातार बैठ करके कमला कांग्रेस पार्टी हर गोविंदम साइडा और ये मौला जी ये मौला आकर के लोग बैठ करके किसान आंदोलन को सत्य प्रदान कर रहे हैं। AIPTS ने आपको मंच दिया है, आप मंच की व्यवस्था कराई है, आंदोलन की दिशा दी है, उस दिशा को कैसे ले जाएंगे आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि शिक्षक आदमी कुछ गंभीरता को समझ नहीं पा रहा है कि पुरानी पेंशन कितनी आवश्यक है और ये केवल पुरानी पेंशन की लाई गई है। साथियों को भी स्वस्थ करना चाहते हैं, आने वाले भविष्य के खतरे को देखिए आप, आने वाले भविष्य में खतरे को हाथ लिया आज पुरानी पेंशन गई है और ये सरकार जो बैठी हुई है ये सबको मानने का शिक्षक बना देने का हमारा है। और जो सभी धरना एक चेतावनी है, सरकार के आंखें बनने के लिए एक चेतावनी है। हम लड़ाई करेंगे इस अन्य राज्यों से इधर आए हुए सभी की इस धरना में भाग करने के लिए आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद करके केरला प्रदेश के टीचर्स एसोसिएशन के बधाइयां देकर मैं मेरी चौथी भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय एजुकेशन। इसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सरकार के कानों पर छठ दिन तक हमारा धरना का काम चल रहा है, लेकिन सरकार ने किसी तरह का बुलावा नहीं भेजा है। निश्चित तौर पर 2004 में जो हमारा पुरानी पेंशन योजना को समाप्त किया और 2000 आज बीच हो रहा है, 16 वर्ष बीत चुका है और 16 वर्ष बीतने के कारण सरकार के सोच में जो है जंग आ गया है। इसलिए इन जंगों को इन आंदोलनों के गिर गई है जो हमारे मानों के को अनदेखी की जा रही है, उनके तक उनका ध्यान हम आकर्षित करें। आंदोलन ही हमारे संगठन का एक मूलभूत आधार है। इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से हम आज तक जो है शिक्षकों का जो है सचेतन प्राप्त हुआ है, इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा, मैं आपसे अनुरोध करना तो चाहूंगा कि जब जब भी कभी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन किया है वह आंदोलन कभी भी खाली नहीं किया है। इसलिए यह भी आंदोलन खाली नहीं होगा, बसते इस आंदोलन को एक सही दिशा सही रुख और प्यार करते हुए इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। एक जानकारी आप सभी को दें कि DSTA संगठन के मौला जी उपस्थित आपके बीच में इस संगठन की तरफ से सबके एक लंच पैकेज की व्यवस्था की गई है। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस संगठन का और आप सभी से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र के साथी दाहिने साइड में है, कृपया बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप आए, जिससे लंच पैकेज और 10 मिनट के अंदर लंच पैकेज आपके बीच में आ रहा है। हम घूम के सर को बांट नहीं पाएंगे। सुनोरी जी बाहर बैठी हुई है, मिजोरम के साथी सड़क के उस पार चले गए हैं। सुनोरी जी आप लोग कुछ बाहर हमारे सड़क के उस पार बैठे हुए, कृपया अपने धरने स्थल पे है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, आप आए और सामने बैठने की कृपा करें। महाराष्ट्र के साथी निवेदन करूंगा, लंच पैकेज आपके बीच में है, उसका वितरण होना है, कृपया स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष जी महाराष्ट्र के लोग आप ही की बात सुनेंगे। या ठिकाणी आवाज उठे सर्व शिक्षक विभक्ति इकड़े समोर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में माननीय महासचिव कमलाकांत जी आपको संबोधित करेंगे, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी हरिगोविंद जी संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे, कृपया आप सामने आए। और चारों राज्यों के अध्यक्ष मंत्री से निवेदन ये कहना चाहते हैं, जिस राज्य के अध्यक्ष मंत्री हैं, कि वर्तमान समय में अगर लड़ाई आपको जीतनी है
तमाम संसाधनों के माध्यम से विद्यालयों की उपस्थिति अध्यापकों की उपस्थिति लेने का सरकार प्रयास कर रही है। हम सभी अध्यक्ष मंत्री की भी जिम्मेदारी है इन परिस्थितियों में हम अपने आप को भी बदलाव लाएं। हम किस माध्यम से हम संगठन के लोगों को जोड़ सकते हैं, संगठन को भी एक हाई टेक्नोलॉजी हम सभी तक पहुंचा सके। राज्य के लोगों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य के अध्यक्ष मंत्री हैं उनके जितने भी जनपद हैं उन जनपदों की सूची, उन जनपदों के अध्यक्ष मंत्रियों के नाम, उनकी वर्किंग कमेटी का एक ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप के माध्यम से अपने सूचनाओं को आप अपने जनपद तक पहुंचाएं और इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रुप बना हुआ है, जो मेल बने वो सारी व्यवस्थाएं आपने अध्यक्ष जी ने कर रखी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कहेंगे कि हम अध्यापक को यहां तक पहुंचा लेंगे, तब तक ये बहुत सीधी खीर साबित होगी। क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए चार चीजों की पैसा जाएगा किसी ऐसे कॉर्पोरेट के पास, किसी ऐसे निजी कंपनी में जो उस पैसे को लेकर के विदेश भाग जाएगा। पैसा आपका और वो जैसे पांडा भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, वापसी नहीं जाएगा, ऐसे क्यों नहीं भाग जाएगा? आप डिपार्टमेंट के पास जाओगे और कहोगे मैंने हर 40-45 साल का दिया ना, मैंने वो पूछेगा आप कौन, हम आपके हैं कौन, हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपकी कोई आप हमारी कोई मर्जी। फिर आपने जिस कंपनी में पैसे जमा कराया था उससे कहोगे भैया हमारा पैसा, वो कह दिया मालिक को भाग गया, हम तो कर्मचारी हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपके हैं कौन। फिर आप देख के जाओगे कि हमारा पैसा आखिर कहां गया। तो साथियों सुबह से मेरे साथियों ने वही लोगों ने पैसे के बारे में आपको बताया होगा, अब मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पे कमीशन द्वारा की गई वेतन मिशन की के बारे में साथियों, पार्टी निर्वाचन आयोग में प्राइमरी स्कूल टीचर को मिला 34,000 का, टीजीटी को मिला 44,000 का, कितना गैप हो गया है, कितना गैप हो गया, और पीजीटी को मिला 47,000 का, कितना अंतर है, वहां अंतर 2,000 का नहीं है, 2,000 का, तो हमें भी कितना मिलना चाहिए था, हमें भी जो है 42,000 का स्केल मिलना चाहिए था। तो साथियों 10,000 का बेसिक में मूल अंतर है, जो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, इस सरकार ने हमें ठगा है। तो साथियों इसके लिए भी आंदोलन करने की बहुत जरूरत है। तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, पैरा टीचर हैं, अब तो डीओपीटी कह दिया समान काम के लिए समान वेतन मान, समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, लेकिन सरकार जो है, सरकारें जो है वो हमारे अध्यापकों से एक श्रमिक से भारत सरकार ने कुछ नॉर्म बना रखे हैं, उसी के आधार पर राज्य सरकारें भी मिनिमम वेज निर्धारित करती है। अनस्किल्ड 300 मिलेंगे, सेमी स्किल्ड उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो सेमी स्किल्ड 350 मिलेंगे, स्किल्ड को 400 मिलेंगे, अध्यापक जो ऑलरेडी स्किल्ड है उसको जो है एक जो श्रमिक है, जो सड़क पर मिट्टी खोद रहा है, जो बगीचे में पौधा लगा रहा है, उससे कम जो है वो हमारी सैलरी जो है हमारे अध्यापक को मिलती है, लेकिन ये शर्मनाक बात है। हम सरकार से पुरजोर मांग करेंगे इस बात के लिए समान काम समान वेतन। और साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब तुम्हारे पास पोस्ट खाली है तो भरो उसको,
रेगुलर टीचर से भरो, जो हमारे साथी में संतोष प्रणाम रहा है वो दूर हो जाएगा। एक तरफ तुम भरपेट खाना अध्यापक कौन कह रहे हो और दूसरे ओर कहते हो कि वो अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ाता है, मनोयोग से नहीं पढ़ाता है। और जब खाली पेट रहेगा तो अच्छा कहां से पढ़ाएगा। और यदि बात करूं मैं विदेश की, यूरोपियन कंट्रीज की, तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए वहां पर प्राइमरी स्कूल के टीचर का वेतन ज्यादा है, नर्सरी टीचर का ज्यादा है और डीजीटी पीजीटी का उनके मुकाबले कम है, उल्टा है। क्योंकि बच्चे में जो प्रारंभिक गुण देने हैं, प्रारंभिक शिक्षा देनी है, उसको क्रम से जो लिखना पढ़ना सिखाना है वो केवल आप करते हो, वो तो आगे पढ़े पढ़ाए को पढ़ाते हैं। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी मांग है कि हम प्राथमिक अध्यापकों को उच्च वेतन मान दिया जाए, उच्च वेतन मान। मुझे बाबा ने एक बार वहां भेजे कनाडा, थॉमसन फेलोशिप दी थी, मैं एक महीना वहां पर रहा। वहां पर मैंने वहां के समाज के लोगों से पूछा, वहां के टीचर से पूछा, आपके समाज में टीचर की गिनती कहां पे होती है? तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज में टीचर की गिनती पांचवें छठे नंबर पे आता है, उसके ऊपर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए और ये सिविल सर्विस के लोग आते हैं। टीचर का नंबर ही पांचवें छठे पे है। और जब आप अपने देश में देखते हैं कि टीचर का स्थान कहां पर है, तो तीसरे से पांचवें नंबर पे आता है। हमारे ऊपर से तो 45 कैटेगरी और हो गई जो हमसे ऊंची है, हमसे अच्छी है। तो इस सरकार में बहुत दबाव हम लोगों को, तो ये